अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 खुश रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्राउज़र का एक सिंपल सा डिज़ाइन। देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है और बनाने में बहुत ही आसान है। उसके मैंने बुकरम लिया है, 3 इंच के करीब मैंने बुकरम लिया, उसे पेस्ट कर लिया एक हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे, हमारे ट्राउज़र के साथ का था। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 3 कलर के ये थ्रेड लिए हैं। ये वो कलर है जो मेरी हमारी शर्ट में थे, वही 3 कलर में हम इसमें फिरकी में चढ़ा लूँगी। कोई से भी कलर ले सकते हैं आप, बेस को छोड़ के आप बकाया जो शर्ट में जो भी कलर आ रहे हैं बेस भी लगा सकते हैं आप। तो वो 3 किस्म के ये कलर थे, वो मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। हल्का सा ये जो हमारी डब्बी का नट होता है इसको थोड़ा सा लूज़ करना है बिल्कुल, ताकि वो थ्रेड जो है वो पहले तो हम एक करते हैं यूज़, यहाँ पे 3 है तो वो थोड़ा मुश्किल होती है उसे बाहर आने में। तो यहाँ पे मैंने बुकरम पे यहाँ पे लगाने हैं निशान, कॉर्नर एक साइड पे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद एक एक इसका स्केल का जो है विड्थ रखते हुए हम यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे, निशान लगा देने हैं यहाँ पूरे निशान लगा के। इसी पे हम यहाँ पे अब लगाएंगे सिलाइयाँ जो हमने नीचे कर लिया है, धागा बना लिया है डब्बी में। यहाँ पे मैं लगाऊंगी सिलाइयाँ। हम यहाँ पे फैब्रिक से शुरू करेंगे, कपड़े पे सिलाई लगानी है थोड़ी सी, ताकि वो फ़ौरन से धागे जो हैं बाहर ना निकल आएँ। उस साइड से भी, उस साइड से भी, दोनों साइड पे हम चिप्स के अलावा हम कपड़े पे भी सिलाई लगाते जाएंगे। ये कुछ इस तरह से ये 3 किस्म के, ये देख लें कलरफुल ये लाइन हमारी बन जाएगी। इस तरह ये सारी लाइनें हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ये जो इजाफी हमारे धागे हैं वो हम कट नहीं करेंगे बिल्कुल भी नहीं, जितने भी हैं उसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। ये देख लें सफाई के साथ ये बन के तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से हम इसको स्क्वायर शेप में भी ला सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये शटल लेस। इस तरह हम इसका फैब्रिक सीधा करेंगे और लेस को उल्टी रख के हम पहले यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे पहले, उसे फिर बाद में अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ट्राउज़र पे हम अटैच करते जाएंगे। ये सिलाई यहाँ पे लग गई है, मैंने ये दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब इसे मैं लगाऊंगी ट्राउज़र पे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत है ये ट्राउज़र डिज़ाइन। यहाँ पे ये ट्राउज़र है, ये अब यहाँ पे हम रखेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। यहाँ पे उल्टी साइड पे रख के हम सिलाई लगाएंगे और उसे फिर सीधी तरफ हम जब घुमाएंगे तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो हम ट्राउज़र की उल्टी साइड लेंगे, अब उल्टी साइड पर हमने इसको उल्टा ही रख देना है। ये उल्टी साइड ट्राउज़र की है और ये हमारा पैच जो है वो भी उल्टा ही है। यहाँ पे रख के हम साथ साथ जहाँ पे हमारा बुकरम पेस्ट किया हुआ है वहीं पे हम साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे मैं लगाऊंगी सिलाई, बिल्कुल बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, साथ साथ किनारे पे सिलाई लगा दें। ये थ्रेड जो है ये अंदर की तरफ रहने दें, उनको कुछ भी नहीं करना आपने। जब हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हम इसे बाहर की तरफ घुमाएंगे और यहाँ किनारे पे भी हम सिलाई लगा देंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट करूँगी मैं। दोनों फैब्रिक को हमने हाथ में ही रखना है, पैच वाला भी और हमारा जो नीचे ट्राउज़र का फैब्रिक है उसे भी हम हाथ में रखें। इस तरह से सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये देखें, ये हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। अब हम करेंगे फिटिंग की सिलाई। ये देख लें, यहाँ किनारे पे भी सिलाई आप लगा दें। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लगाएं, ना भी लगाएं तब भी कोई मसला नहीं है, पर थोड़ा सा मजबूती के लिए, उसे सिक्योर करने के लिए हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई कंप्लीट करके हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये जो हमने लाइन यहाँ पे क्रिएट करी है, हमने थोड़ी सी आड़ी करी है, आप सीधी भी कर सकते हो,
आप इनको स्क्वायर शेप में भी कर सकते हैं, उनके ऊपर दूसरी साइड पे आप इसके अपोजिट आप लाइन भी लगा सकते हो, बहुत ही प्यारी लगती हैं ये, कलरफुल हैं, आप एक ही कलर में भी कर सकते हो। ये देख लीजिए इसकी ओवरऑल लुक है, बहुत यूनिक और बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाला है। यहाँ से एक्स्ट्रा थ्रेड काट दें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।